दिल्ली वाले कहीं से भी घुस जाते हैं खाँचे से। ओ पकड़ लिया हमें। नेपाली कल्चर से ही रिलेटेड है सब गाइस यहाँ पे ना, वैसे बनता है। सो हे गाइस गुड मॉर्निंग, अभी हम सो के उठे हैं और आज हमारा नेपाल में सेकंड डे और अब बस सारी तैयारी हो गई। काठमांडू में सेकंड डे, काठमांडू में सेकंड डे, बस अब फटाफट निकलेंगे और नाश्ता करेंगे। फिर हमें कहाँ जाना है भाई? काठमांडू नहीं, दरबार स्क्वायर और पठन दरबार स्क्वायर। तो भाई चलते हैं नीचे फटाफट, ब्रेकफास्ट करते हैं फिर निकलते हैं अपना दरबार स्क्वायर की तरफ, क्योंकि हम यार लेट हो गए थे रात में, बहुत सुबह लेट उठे, 2 बज रहे हैं। तो चलो भाई मिलते हैं फिर। सो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं बाहर, और भाई कल वाला व्लॉग चेक कर लेना, बहुत ज़बरदस्त था। थोड़ी सी नाइट लाइफ दिखाई थी वहाँ पे। यहाँ पे यार बेसिकली पता है क्या होता है, यहाँ पे ना 12 बजे के बाद क्राउड होता है। तो एक वीडियो और बनाऊँगा यहाँ के फेमस क्लब के ऊपर, LOD करके है वो, 49 बेस्ट क्लबों में आता है वर्ल्ड के। तो तुम्हारा भाई उसकी भी वीडियो बनाएगा और रात का क्राउड दिखाएगा जो 12 बजे के बाद आता है। अब ये शॉप सारी खुली हुई है जो कल रात थोड़ी थोड़ी बंद थी, लेकिन लास्ट व्लॉग ज़रूर चेक करना, बहुत मज़ा आया यार उसमें, बहुत ज़्यादा। थोड़ी सी नाइट लाइफ है, थोड़ा सा थमेल मार्केट है उसमें, बाकी नाइट लाइफ में तो मज़ा आ गया। गाइस ये सिर्फ कहने की बात है कि नेपाल सस्ता है। ये पता है ये जैकेट जो लटकी हुई है, ये 15,000 रुपये की जैकेट है। ये जैकेट जो लटकी हुई है ना गाइस, ये 15,000 रुपये की जैकेट है। कोई सस्ता नहीं है गाइस नेपाल, नेपाल कोई सस्ता नहीं है, कोई सस्ता नहीं है, बहुत महंगा है नेपाल। ये सिर्फ कहने की बात है कि नेपाल सस्ता है। 70 रुपए की चाय है यहां पर खाली। अभी आगे कितनी की देखी थी, 90 रुपए की, नहीं 100 रुपए की थी कैपेचिनो वाली चाय भाई। तो ये बेकार की बात है कि सस्ता है नेपाल भाई, बहुत एक्सपेंसिव चीज है। अच्छा रात को हमने एक मोमोज की प्लेट ली 800 रुपए की। हां 800 रुपए की प्लेट सिर्फ मोमोज की, जिसमें 9 थे भाई। तीन हिस्से में आए यार भाई, तो 4 दिन के आए थे ना, 10 होंगे भाई, मेरे तो 3 ही आए थे इससे में गाइस। कोई सस्ता नहीं है गाइस नेपाल, ये सिर्फ कहने की बात है कि नेपाल सस्ता है, चीपेस्ट कंट्री है, बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। और वैसे तो इनकी बाकी खूबसूरत बहुत है गाइस। ये है राजीव चौक और यहाँ एक बहुत खूबसूरत मंदिर है, और पोखरा जाने की बात चल रही है अभी, क्योंकि हमें निकलना है 3 दिन बाद पोखरा, सॉरी 2 दिन बाद। गाइस इंडियन रुपी जो है ना वहाँ पे, एक रुपी 1.60 पैसा है नेपाल में, और आपको एक्सचेंज करने के बाद मिलता है 1.50 पैसे। और भाई कोई सस्ता नहीं है नेपाल, काफ़ी एक्सपेंसिव है, सिर्फ ये कहने की बात है कि सस्ता है नेपाल। दरबार स्क्वायर जा रहे हैं हम बस। गाइस जैसे हमारे दिल्ली का सदर बाजार है ना, वैसे यहाँ का ये वाला बाजार है इंदिरा चौक। बिल्कुल सदर वाली फील है यहाँ पे, और अंदर बहुत भीड़ है। बहुत चुपती है धूप, नेपाल का सदर बाजार। हेलो, ओ पीछे से ये कह रहे थे गाइस हमें हेलो। तो भाई साइड हो जाओ, साइड हो जाइए, साइड हो जाइए भाई। ये लोगों का किलो कितना है? 40 रुपए किलो, सेम हमारे यहाँ वाला रेट। हाँ भाई खूबसूरत बना हुआ है यार ये बाजार काफी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत मार्केट है यार।
भाई 500 रुपये एंट्री फी है दरबार स्क्वायर की। 500 इंडियंस की लेवल वो दिख रहा है ना जिसमें। क्या तो है दरबार स्क्वायर, यही तो है अंदर। दिल्ली वाले कहीं से भी घुस जाते हैं खांचे से भाई, ये दरबार स्क्वायर बिना ओ पकड़ लिया हमें। क्या टिकट है ये लिखा है ना SAR बीम्स से 500,000। गाइस हम घुस रहे थे अंदर चुपके से, मैं इनके पीछे पीछे जा रहा था फरदीन के लेकिन पकड़ लिया हमें। खैर ये तो एक मजाक वाली बात है, वो तो वैसे भी हम पकड़े जाते यार, एंट्री तो देनी पड़ेगी। गाइस इंडियंस के लिए डिस्काउंट है 500 रुपये और अदर कंट्रीज 1,000 रुपीज़। यू कैन सी हर टिल 4:30 to 5:30, 50 मिनट्स बचे हैं बस। 50 बंद होने में 50 मिनट हैं अभी इसके बंद होने में। भाई टिकट तो हमने ले लिया यार, ये मिला है अपन को और ये मैप है कि अगर खो जाओ अंदर तो इसको देख के बाहर आ सकते हैं। तो गाइस फाइनली अब अंदर चलते हैं और देखते हैं यार कैसा है। पहन लिया तुम्हारे भाई ने, नेपाल हाँ लोकल के लिए फ्री है, बाकी इंडिया वालों के लिए 500 रुपये का डिस्काउंट तो कर ही रखा है यार। नेपाली जैसे दिखते होते काश। हाँ भाई तो आज हमारी फ्री की टिकट है। नेपाली कल्चर से ही रिलेटेड है सब गाइस यहाँ पे ना वैसे। ये अपने दिल्ली में दिल्ली गेट पे भी दिखता है गाइस, और टूरिस्ट प्लेस है तो ज्यादा टूरिस्ट आया भाई देखो ना। मेन काठमांडू में टूरिस्ट प्लेस यही है दरबार स्क्वायर, काफ़ी बड़ा है गाइस ये। एंशियंट टाइम की नेपाली कल्चर शो करता है ना ये, और अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी चल रही है। भाई बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है यार, वन टाइम विजिट तो है बनता है। लेकिन ये समझ नहीं आया यहाँ पे व्हाइट हाउस क्या कर रहा है, मजाक कर रहा हूँ। गाइस दरबार स्क्वायर के अंदर भी एक मार्केट बना रखी है यहाँ पे, लाइक लाजपत नगर कह सकते हैं आप। ज़्यादातर भाई चाइनीज़ मूवीज़ में देखा है मैंने तो ऐसे सब, बाकी आज रियलिटी में देख रहा हूँ यार। पुराने टाइम की कारीगरी हुई है भाई यहाँ पे तो, बाकी मॉडर्न ज़माना है तो अपना छोटे छोटे शॉप्स भी खुल गए। खूबसूरत जगह है यार। हाँ फ्रॉड तो बहुत है, हाँ भाई फ्रॉड बहुत है यहाँ पे, गाइड के बहाने उसके बहाने ना स्कैम कर देते हैं। काफ़ी बड़ा है गाइस ये मार्केट भी बनी है, हमें तो लगा छोटा सा ही होगा।
लेकिन खूबसूरत जगह है भाई, यही था दरबार स्क्वायर। बाकी तो मार्केट से ज़्यादा बाकी खूबसूरत है। अभी हम पटन का पता कर रहे हैं, इफ़ अगर ऐसा ही हुआ तो वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, और अगर अलग हुआ तो देखते हैं, क्योंकि अब शाम भी हो रही है। गाइस पटन स्क्वायर भी ऐसा ही है तो वहाँ जाने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि रात भी बहुत हो चुकी है, मतलब शाम होने वाली है, रात तो नहीं, शाम होने वाली है, अंधेरा हो जाएगा तो फ़ायदा नहीं है वहाँ जाने का। तो कैफ़े है कि यहाँ पे, कैफ़े में जा रहे हैं, कॉस्मोडी कैफ़े। सो गाइस ये है वो कैफ़े, रूफ टॉप व्यू है यहाँ का, तो अपन ऊपर ही जा रहे हैं। ओह लिफ्ट नहीं है यार यहाँ पे, बहुत ऊपर आना पड़ गया। व्यू चेक करवा देते हैं आपको, पूरा दरबार स्क्वायर दिखता है गाइस यहाँ से। है ना जबरदस्त व्यू। ऐसे ही सेम है, मतलब दरबार, मतलब ये वाइट वाला पोर्शन नहीं है, बाकी सब ऐसे ही है। तो भाई ये था आपका दरबार स्क्वायर। मौसम की वजह से ना मुझे थोड़ी सी खांसी हो गई, तो पटन स्क्वायर तो अपन जा नहीं रहे, तो फ़ायदा नहीं है। तो बस अब वैसे देर भी बहुत हो रही थी गाइस, रात में भी हमें जाना है, एक ब्लॉग रात का करना है, एलओडी जाना है हमें, और भाई तस नाइट लाइफ है वहाँ की। 12 बजे के बाद कल हमने क्राउड देखा था, मैंने अपने पहले ब्लॉग में दिखाया है, लेकिन आज जो क्राउड होगा ना वो और अल्टीमेट होगा। 12 बजे के बाद यहाँ पे दिन निकलता है। तो भाई अब हम इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, मिलेंगे आपसे अब नाइट लाइफ वाले ब्लॉग में जो आज हमें बनाना है। तब तक के लिए गाइस टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।